नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सी राजेंद्र अरोड़ा है और आज हम हाजिर हुए हैं आपके सामने जीएसटी में एक और महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर। दोस्तों, 5 मई कल 5 नोटिफिकेशन सरकार ने निकाली और उन 5ों नोटिफिकेशन के जिस्ट को मैं आपके सामने शेयर करूंगा आज। नोटिफिकेशन 38/2020 से लेकर 42/2020 की बात हो रही है। पहली नोटिफिकेशन 38/20 है जिसमें उन्होंने एक रिलीफ दी और उन्होंने कहा कि जो भी कॉरपोरेट रजिस्टर्ड पर्सन हैं, कंपनीज जो हैं, जो रजिस्टर्ड पर्सन हैं, जिनको डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से अपनी 3B फाइल करना कंपलसरी था, DSC से कंपलसरी था, वो अब EVC से भी अपनी जो है रिटर्न फाइल कर सकते हैं 21 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 के अंतर्गत। उसके अलावा जिन भी रजिस्टर्ड पर्सन, सभी रजिस्टर्ड पर्सन की बात हो रही है, जिन भी रजिस्टर्ड पर्सन की नील रिटर्न है अप्रैल की, वो अपनी नील रिटर्न जो है वो SMS के माध्यम से भी फाइल कर सकते हैं। अप्रैल मई को भी जो भी रिटर्न होगी आगे की, वो अप्रैल अपनी SMS के माध्यम से भी फाइल कर सकते हैं। ये 38/2020 नोटिफिकेशन थी। उसके बाद 39/2020 नोटिफिकेशन जो है वो एक इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के ऊपर जो 11/2020 की नोटिफिकेशन थी, 21 मार्च 2020 को निकाली थी सरकार ने, उसमें छोटा सा चेंज लाए हैं। उसमें फर्स्ट पैराग्राफ में एक प्रोविजो ऐड किया गया, उसमें कहा गया है कि जो भी कॉरपोरेट डेटर जिसका CIRP शुरू हो चुका है और उसने अपने प्रायर टू द अपॉइंटमेंट ऑफ IRP और RP, प्रायर टू द अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एंड और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, अपनी GSTR 1 और 3B फाइल कर दी है प्रायर टू द अपॉइंटमेंट ऑफ IRP और RP, उसके लिए नोटिफिकेशन एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा चेंज इसी नोटिफिकेशन के माध्यम से 11/2020 की नोटिफिकेशन, 21 मार्च 2020 की जो नोटिफिकेशन थी उसमें लाए, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को चेंज किया। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का पैरा नंबर 2 था, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया फ्रेश पैरा से। उसमें उन्होंने कहा कि जिस भी कॉरपोरेट डेटर, जो भी कॉरपोरेट डेटर है, अगर अपॉइंटमेंट ऑफ IRP और RP हो चुके हैं तो उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ IRP और RP के बाद डिस्टिंक्ट पर्सन कॉरपोरेट डेटर बन जाएगा। मतलब एक कॉरपोरेट डेटर, मैं इसके ऊपर पहले भी एक पूरी डिटेल वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूं, अगर कोई भी कॉरपोरेट डेटर में CIRP शुरू होता है तो वो डिस्टिंक्ट पर्सन बन जाता है IRP और RP अपॉइंट होने के बाद। तो डिस्टिंक्ट पर्सन बनने के बाद उसको फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना है। नोटिफिकेशन 11/2020 और उसके बाद एक सर्कुलर आया था, उसमें भी डिपार्टमेंट ने इस बात को क्लैरिफाई किया। अब उन्होंने कहा कि जो रजिस्ट्रेशन लेना है वो सभी स्टेट्स में और UT में लेना है। रजिस्ट्रेशन कब लेना है? विद इन 30 डेज फ्रॉम द अपॉइंटमेंट ऑफ IRP और RP और 30 जून 2020, विच एवर इज अर्लियर। मतलब RP और IRP और RP के अपॉइंटमेंट के 30 जून के अंदर 30 दिन के अंदर अंदर या 30 जून 2020 जो भी अर्लियर है। ये नोटिफिकेशन 39/20 थी। 40/20 जो है वो, ये सारी सेंट्रल टैक्स की नोटिफिकेशन है दोस्तों, 40/20 जो है वो ईवे बिल के ऊपर एक रिलीफ दे रही है। उन्होंने कहा कि 24 मार्च 2020 को या उससे पहले कोई भी अगर ईवे बिल बने हैं और जिनकी वैलिडिटी एक्सपायर हो रही है 20 मार्च और 15 अप्रैल के बीच में, 24 मार्च या उससे पहले कोई भी ईवे बिल बने हैं जिनकी वैलिडिटी 20 मार्च या 15 अप्रैल के बीच में एक्सपायर हो रही है, तो उसकी वैलिडिटी ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाती है 31 मई 2020 तक। एक वेलकम रिलीफ है क्योंकि बहुत सारे गुड्स की मूवमेंट जो है वो स्टक है बिकॉज ऑफ दी लॉकडाउन, बिकॉज ऑफ दी सीलिंग ऑफ बॉर्डर्स बिटवीन वेरियस स्टेट्स इन द कंट्री, तो उस वजह से उसकी ऑटोमेटिक वैलिडिटी, और आप उसमें आप लाइव नहीं है, ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, तो आपकी वैलिडिटी एक्सपायर हो रही है अगर 15 अप्रैल तक, उसकी ऑटोमेटिकली वैलिडिटी जो है 31 मई 2020 तक एक्सटेंड कर दी गई है। उसके बाद एक और वेलकम चेंज है नोटिफिकेशन 41/20 में, जो हमारी GSTR 9 है, एनुअल रिटर्न है, उसकी डेट ऑलरेडी 30 जून 2020 तक एक्सटेंडेड थी, उसकी डेट को फर्दर एक्सटेंड करके 30 सितंबर 2020 कर दिया गया है। ये भी मैं वेलकम चेंज कहूंगा। आप कंसिडरिंग द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द लॉकडाउन इन द कंट्री, गवर्नमेंट इज एक्चुअली टेकिंग इनिशिएटिव्स विच आर प्रीएम्प्टिव, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट फॉर गिविंग ब्रीजर टू द टैक्स पेयर सो दैट दे शुड नॉट फील बर्डन अबाउट द कंप्लायंस पार्ट एंड दे शुड फील सेफ एंड सिक्योर एंड रिलीव्ड एट देयर होम ओनली। उसके बाद एक नोटिफिकेशन 42/2020 है जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर, यूटी और लद्दाख के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जिन जिन रजिस्टर्ड पर्सन का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जम्मू कश्मीर में है, उनकी नवंबर 19 से फरवरी 20 की रिटर्न 3B जो है उसकी ड्यू डेट हो जाती है 24 मार्च 20 तक।
और जिन जिन रजिस्टर्ड पर्सन का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस लद्दाख में है और नवंबर 20 से फरवरी 20 की रिटर्न की ड्यू डेट जो है 24 मार्च 20 तक हो जाती है। उसके बाद तीसरी उन्होंने कहा कि जिन जिन रजिस्टर्ड पर्सन का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस लद्दाख में है उनकी जो 3B की रिटर्न की ड्यू डेट जो है जनवरी 20 से मार्च 20 तक उसकी ड्यू डेट है 20 मई 2020। तो ये कुछ रिलीफ मेजर्स थे, कुछ चेंजेस थे जो कि सरकार ने कल 5 मई को 5 नोटिफिकेशंस निकाल कर निकाले। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो यूजफुल लगेगा, आप सबकी हेल्प होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप लॉकडाउन में अपने घर पे बने रहिए, जितना कम से कम हो घर से बाहर निकले और कोशिश करें कि अपने और अपने परिवार की और अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।